लायंस इंटरनेशनल जिला 322 बी दो का दिवाली प्रीति सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन कर की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर राजकुमार अग्रवाल, मुख्य अतिथि इंटरनेशनल फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एपी सिंह, गेस्ट ऑफ ऑनर पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और बोर्ड अपॉइंटी संगीता जटिया तथा लायंस जिला 322 बी दो के गवर्नर विजय जोधानी, वीडीजी 1 स्वाति गोस्वामी और वीडीजी 2 आशीष झुंझुनवाला, कैबिनेट सेक्रेटरी रोशन रोलिया, कैबिनेट ट्रेजर संदीप जैन रहे। इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन सुप्रिया सिंह, को चेयरपर्सन सारिका वर्सिन्या और अरुणा झुंझुनवाला थी। इस अवसर पर कैबिनेट सेक्रेटरी रोशन रोलिया का कहना है कि कार्यक्रम में हम लोगों ने वंदना गुप्ता और पंकज जी के साथ मिलकर एक फैशन शो का आयोजन किया है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई और कार्यक्रम में अनुमानित 400 से ऊपर लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर लायंस हेडक्वार्टर से गेरार्ड गैरी सेराफिनी, क्राइस्ट फास्टर, कारा एंजल्स, ये 3 विदेशी भी आए और कार्यक्रम का आनंद लिया। देखें विशेष रिपोर्ट। हाँ दीदी सामने, हाँ सर इधर। लेकिन यहाँ आप कितने सुंदर ढंग से आपने आयोजन किया है, इसके लिए आपके सेंटर सारी टीम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत बहुत बधाई। आप आज का ये प्रोग्राम तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आने का समय आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। हम लायंस फेलोशिप एंजॉय करते रहें और जो सेवा के कार्य हम करते हैं वो आगे से आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा करते रहें। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। Have a great evening and happy Diwali and wish you and all our friends, everybody's loved ones, all family members, all of us. Thank you very much. आज जिससे 322B2 का दीपावली प्रीति सम्मेलन कम फैशन शो इस तरह के माहौल में बनाया गया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाल कायम हो गई। ऐसी मिसाल कि यहाँ इतने मेंबर्स ने अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय किया। एक अपनी बोले जिसे कहते हैं केट वॉक, रैंप पे वॉक करना, जैसे हमारे मन में हमेशा ड्रीम रह जाता है, उस ड्रीम को आज उन्होंने पूरा किया। इस उम्र में हमारे छोटे से लेकर इस पूरे प्रोग्राम में छोटे से लेके बड़े सारे ने पार्टिसिपेट किया और ये पूरा फैमिली एटमोसफियर में काम किया। आज उनके बच्चे भी इसी में वॉक कर रहे हैं, उनकी मदर एंड फादर इसे वॉक कर, मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि हम किसी तरह अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह का माहौल हमने आज अपने B2 में एक फैमिली के माध्यम से प्रीति सेवन, जो हम लोग कहते हैं कि दिवाली गेट टुगेदर होता है जो कम्युनिटी के लिए हम लोग को भाईचारा लाती है, वही के हिसाब से हमने प्रोग्राम किया। और उसकी सफलता के लिए पूरी टीम को, हमारे चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, कन्वेनर और हमारे कोऑर्डिनेटर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर पूरी हमारी संस्कृति और वीएन और अपनी गुप्ता टीम को, जो उन्होंने यहाँ पे हम लोग साथ में अटैच किया, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार में इस तरह का शो किया कि जो भीड़, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ में उनके फैमिली मेंबर्स, लायन मेंबर्स आए हैं, इसका कोई जवाब नहीं था। मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ पूरी टीम को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेंबर को, इन्होंने इस तरह का काम किया। थैंक यू सो मच। ये हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य था मेंबर और उनकी सारी फैमिली को और फ्रेंड सर्किल को इन्वॉल्व करना। हम लोग जितना एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ पाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सर्विस के लिए हम लोग के हाथ बढ़ते हैं। तो हम लोग का प्रमुख उद्देश्य यही था कि आपस में सभी मिले जुले इंजॉय भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर भी जुड़े, ताकि हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस भी कर सकें। और आज हम लोग ने क्या क्या एक्टिविटी किया? आज हम लोग ने मेन हम लोग का पर्पस फेलोशिप ही था। आज हम लोग का सर्विस एक्टिविटी बोल के कुछ नहीं था। हम लोगों का आज मुख्य उद्देश्य फेलोशिप था। इस फेलोशिप के माध्यम से हम लोगों को जो भी सरप्लस, इसमें फंड हम लोगों को सरप्लस बचेगा, नेक्स्ट महीने में हम लोग 3 जगह सर्विस मेला लगाने वाले हैं, काकीनाड़ा, बढ़मपुर और हमारे लायंस चिल्ड्रेन पार्क में। तो जो भी इसमें सरप्लस बचेगा हम लोग वो प्रोसीड्स उस सर्विस मेला के लिए भी यूज करेंगे। इसमें हमारे जैसे 3 एज ग्रुप थे, टीन एज भी थे, किड्स भी थे और कपल तो थे ही थे। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने सीनियर सिटीजन की भी कैटेगरी बना रखी थी गोल्डन एज करके। हमारे घर के जो सीनियर सिटीजन है, बड़े हैं, वो भी रैंप वॉक कर रहे थे, तो सभी के वो एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हुआ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे इवेंट पार्टनर संस्कृति वंदना जी, हमारे सर कोरियोग्राफर सर राजेश सर, कॉस्ट्यूम पार्टनर, मेकअप पार्टनर
ज्वेलरी पार्टनर एंड पूरी टीम को एंड पूरे अपने सभी वॉलंटियर को, चेयरपर्सन, डीजी टीम, सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं अरुणा झुंझुनवाला, लायंस डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल 322B2 से। ये हमारा एक दिवाली प्रीति सम्मेलन था, उसमें एक फैशन शो भी था। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग फंक्शन था ये, मतलब पार्टिसिपेंट एज नंबर्स कुछ भी नहीं है, ये बताते हैं। इट वॉज अ ग्रेट शो, ग्रेट पार्टिसिपेशन, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना एन गुप्ता, फैशन डिजाइनर, और आज हम JW मैरियट में है लायंस क्लब के दिवाली प्रीति सम्मेलन में, जहाँ पे मेरा, वंदना एन गुप्ता का सारा कलेक्शन और पंकज कुमार का मेंस वेयर का कलेक्शन पहन के यहाँ के खुद के मेंबर्स ने वॉक किया। इट वॉज एन अमेजिंग शो विच वॉज पुट टुगेदर हियर विद द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 70 ईयर्स तक की लेडीज एंड मेल ने वॉक किया यहाँ पे। हम लोगों ने अपना आने वाला फेस्टिव कलेक्शन और आने वाला वेडिंग कलेक्शन लॉन्च किया यहाँ पे, और ये कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। आप सब चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टा हैंडल में वंदना गुप्ता डिजाइनर के साथ, और डू विजिट आवर स्टूडियो टू गेट योर वार्डरोब फिट फॉर द अपकमिंग वेडिंग सीजन। दिस इज वंदना एन गुप्ता डिजाइनर, थैंक यू। संस्कृति वो नाम है कलकत्ते का, जो अब सब यही बोलते हैं कि संस्कृति में तो दूल्हे के साथ साथ बराती भी तैयार होती है। और एक अच्छी बात ये है कि 322B जो हम पे विश्वास करके ये फैशन शो का काम दिया, साथ में कंबाइन करके एसोसिएट होके, सच में वो अल्टीमेटम था। यहाँ के जो मेंबर लायंस क्लब के, जो लायंस मेंबर थे, जो परफॉर्मेंस किए हैं, जितने भी ये दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए दर्शक थे, वो वाकई में काफ़ी तारीफ कर रहे थे उस चीज़ की, उस गारमेंट्स की, जो हमारे साथ एसोसिएट वंदना एन गुप्ता लेडीज वेयर से थी, हमारे साथ एसोसिएट जो मेकअप आर्टिस्ट, हमारे साथ एसोसिएट वो ज्वेलरी पार्टनर, सभी ने अल्टीमेट काम दिया। इसके अलावा जो ग्रूमिंग का क्लास राजेश ने की है, वो सही में हेड्स ऑफ है। थैंक यू सो मच। कितने पार्टिसिपेट थे आप लोग क्या? टोटल 47 पार्टिसिपेट थे, टोटल 47 पार्टिसिपेट इस रैंप पे रैंप किए हैं। इसके अलावा हमारे जो डीजी गवर्नर थे, वो भी इस पे रैंप किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है डिस्ट्रिक्ट 322B2 का। और यहाँ पर उपस्थित सारे लायन मेंबर्स, सबसे पहले तो दिवाली के इसको जन्म उत्सव के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, और यही आशा करती हूँ कि सबके लिए ये साल बहुत ही सुंदर रहे और वैसे ही जगमगाता रहे जैसे हम चाहें। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लायंस के परिवार के साथ एक अपना दिवाली मिलन मिलाते मनाते हैं, सब साथ आते हैं, और जैसे एक परिवार के जैसे मिलजुल कर एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रात पूरी टीम, जिसने इतना सुंदर ये माहौल बनाया है और यहाँ पर आज सबको बुलाया है, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से आगे आते हैं और हमारे को सपोर्ट करते हैं, तब आज हम जो भी काम करते हैं वो दुगना चौगुना हो जाता है। और यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही हम दूसरों का रहते रहें, और ऐसे ही हम अपने आप को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए उछावा करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा रहता है लायंस क्लब में, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है लायंस क्लब में, और सबको लाइक अपना टैलेंट दिखाने का, लाइक अपना मौका मिलता है टैलेंट दिखाने का। आपका नाम? कुणाल रोलिया। रोशनी के त्योहार दीपावली पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ ही दिन पूर्व दीपावली का पूजन किया, दीपावली त्यौहार मनाया, और आज हम दीपावली मिलन को यहाँ पर करते हैं। उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। We appreciate everything the Lions of India have done for us so far. As you know, we've been here this week planning for incoming president, APC's board meeting, and without all your help, we would not have been able to plan a spectacular board meeting for October 2025. So, further ado, I want to say thank you to all of you
We're looking forward to coming back next year, and we'd love to spend some personal time with you. Thank you.